आज हम बनाएंगे प्रॉन कोफ्ता पुलाव और यूज करेंगे दावत पुलाव बासमती राइस जो खास पुलाव के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले हम दावत पुलाव बासमती राइस को अच्छी तरह से 2-3 बार धो लेंगे। फिर इसे करीब 20 से 25 मिनट के लिए सोक करने रख देंगे। एक मिक्सर जार में डालेंगे प्रॉन्स, साबुत लहसुन, प्याज और हरा धनिया। मसालों में ऐड करेंगे हरी मिर्च, नमक, हल्दी और एक अंडा। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी जार में अच्छी तरह से फाइन ब्लेंड कर लेंगे। ये फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। चलिए अब गरम तेल की कढ़ाई में इस पेस्ट के कोफ्ते शेप करके इसे फ्राई कर लेते हैं। इन्हें सुनहरा और क्रिस्प होने तक हमें फ्राई कर लेना है। तैयार कोफ्तों को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। इसके बाद एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम कर लेंगे। इसमें डालेंगे लौंग, छोटी इलायची, जीरा, काली मिर्च और प्याज। साथ ही ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और 2 मिनट तक इसे भून लेंगे। इसमें नमक डालेंगे और प्याज को गुलाबी होने तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला और फिर एक बार इसे भून लेंगे। फाइनली इसमें भिगोए हुए चावल और हरा धनिया ऐड कर लेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम पानी ऐड करके एक बार फिर इसे मिक्स करेंगे। अब इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। चलिए ढक्कन हटाकर इसमें तैयार किए हुए कोफ्ते डाल लेते हैं। एक बार फिर इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। लीजिए, बन गया है प्रॉन कोफ्ता पुलाव, जिसे हमने बनाया है दावत पुलाव बासमती राइस के साथ। इसके दाने बिल्कुल खिले खिले रहते हैं। गरम गरम सर्व करेंगे गार्लिक के रायते के साथ और गार्निश करेंगे हरे धनिये से। राइस की और एक्साइटिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए संजीव कपूर खजाना।